हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष मोहंतो है। आज हम बात करेंगे सैमसंग M31 में क्या स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से ही है। पहले से तो इसमें M31 में नहीं होता है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो एप्लीकेशन में है स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप प्ले स्टोर में ओपन करेंगे और सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर। मैं इस लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली आप जा करके डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन में क्लिक कर देना है। ओपन में क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ इसमें सेटिंग पूछेगा, ठीक है। आपको इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा, तो आप बैक जाएंगे और आपको कितना रिजोल्यूशन चाहिए आपको सब कुछ इसमें आप दे सकते हैं। तो उसके बाद बैक चला जाता है। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। जो भी आपको अलाउ पूछेगा आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। मेरा इस फ़ोन में अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा। इसमें आप पेंसिल का भी आप ड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी आपको वीडियो देखा होगा उसमें बताया कि गेम लॉन्चर को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी गेम लॉन्चर को भी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये जो सैमसंग का है इसमें जा करके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पढ़ा होंगे, इधर जो आपको गेम लॉन्चर डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, ठीक है। गेम लॉन्चर में आप सिर्फ गेम का वीडियो ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। आप बाकी का जो एप्लीकेशन आप रन करेंगे वो सभी रिकॉर्ड आप कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे चुका हूँ, आप डायरेक्टली आप इसको रिकॉर्ड करके मेरे को कमेंट कीजिए कि आप कैसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। थैंक यू सो मच।